हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसमें कुछ सिमिलर टॉपिक है उनसे, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। ठीक है, पहले हम तीनों को एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपन बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऐसा टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं वो सारे सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं वो सारे सीक्वेंस होते हैं। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या होता है कि कोई भी एक डिफाइनाइट पैटर्न होता है नंबर्स का। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, एंड सिमिलरली इसके कोई और टर्म्स ले लेते हैं, जैसे 3, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, तो इसमें दोनों ही क्या है? सीक्वेंस है और दोनों में ही क्या है? फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न क्या है? यहाँ पे जो पैटर्न है उसमें देखो जितने भी नंबर है वो सारे ऑड नंबर है। ठीक है, और इसमें जो पैटर्न है वो ये सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, कि 2, 3, 5, 11, 7 ये सारे क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक, और ये जो है ये सारे क्या है? ऑड नंबर है। अब इसमें देखो 1 और 3, 3 और 5, 7, 9, 11। तो इसमें आप क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस होता है इसमें अगर आप एंथ टर्म का मीनिंग होता है कि अगर उसमें आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे इस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा तो 2, 3, 5, 7, 11 और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 13 और उससे नेक्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 17। तो इसमें जो डिफरेंस जो है वो क्या होगा कि 1 का है यहाँ, 2 का है यहाँ भी, 2 का है, तो जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सेम नहीं है इसका आप क्या फाइंड नहीं कर सकते? एंथ टर्म फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, और जब इस कंडीशन में अगर आप एंथ टर्म फाइंड नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स ये क्या नहीं है कि ये प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, ये उस कंडीशन में क्या है? सिर्फ सीक्वेंस है। और ये जो कंडीशन है इसमें क्या आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो, इस कंडीशन में प्रोग्रेशन। तो ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। जितने भी प्रोग्रेशन होते हैं, चाहे कितने भी प्रोग्रेशन हो, सारे क्या होंगे? सीक्वेंस होंगे। बट जरूरी नहीं कि सारे सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सीरीज। ये सीरीज क्या होता है? सीरीज क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आप उसको कॉमा के फॉर्म में लिखते हो उस कंडीशन में, तो ये है प्रोग्रेशन। और अगर आप उसको एडिशन के फॉर्म में लिखते हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सीरीज में। ठीक है, अगर आपको इसी से रिलेटेड अगर कोई एक टर्म है, जैसे सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज में क्या होगा? इन सब का एडिशन जो होगा वो होगा सम ऑफ सीरीज। ठीक, तो ये बेसिक्स डेफिनेशन, बेसिक इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड डेफिनेशन, सीक्वेंस, प्रोग्रेशन, सीरीज, सम ऑफ सीरीज। अब इसके साथ में अपन जो अपना मेन जो टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब उसके बारे में प्रोग्रेशन अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो डेफिनेशंस हैं कुछ वो पढ़ चुके थे, जैसे सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, प्रोग्रेशंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस। टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस है, तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज एपी, सेकेंड जीपी एंड थर्ड एचपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी जो है वो आपका क्लास 10 में, एपी और जीपी दोनों कंबाइन हो गया क्लास 11 में। एचपी जो है वो आपको कुछ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो जब किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में मिलेंगे या फिर जो से आप कॉलेज में इंटर हो तो वहाँ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नॉर्मली अपन जो पढ़ते हैं वो ही
प्रोग्रेशन पढ़ते हैं एपी और एक जीपी, और एक थर्ड जो एचपी है वो एक तरीके से क्या एपी का जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। तो एपी में तो जो अपन डिस्कशन करते हैं वो करते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे तो प्रोग्रेशन जैसे 2, 5, 8, 11 एंड सो। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस इट मीन्स नेक्स्ट जो टर्म है उसमें उसकी प्रीसीडिंग टर्म को अगर सब्सट्रैक्ट करें तो वो कितना आएगा, 3 आएगा। वैसे 8 में से 5 को माइनस करेंगे वो भी 3 आएगा, ठीक है। 11 में से 8 को माइनस करेंगे 3 आएगा। इट मीन्स कॉमन जो डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिक्स्ड नंबर भी कहते हैं। कि किसी उसकी प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर क्या कर देते हैं, अपन ऐड कर देते हैं, और उसको अपन कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। फिर आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अपन डिस्कशन करते हैं किस पे, कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो क्या होता है, जैसे कोई प्रोग्रेशन अपन लेट में 2, 4, 8, 16 एंड सो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर जैसे 4 को 2 से डिवाइड करें, इट मीन्स प्रीसीडिंग जो नेक्स्ट टर्म है उसको उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इट मीन्स इनका जो कॉमन रेशियो जो है वो क्या, इक्वल। तो इस टाइप का प्रोग्रेशन होता है उसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड थर्ड होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि मैंने कहा ये रेसिप्रोकल ऑफ किसका होता है, एपी का होता है। तो एपी का जो रेसिप्रोकल मतलब मान लेते हैं कोई एपी मान जी एसपी मानते हैं 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। तो देखो यहाँ 2, 4, 6, 8 पहले इसको एपी में कन्वर्ट करते हैं। एपी में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल तो ये एपी हो गया, ठीक है। अब इस एपी में देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इट मीन्स ये क्या है, एच। अब इसका कोई भी टर्म अगर फाइंड करेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, वापस रेसिप्रोकल कर देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस एच पी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन अपन क्लास 10 में सिर्फ क्या पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है और अपन उसको कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन मैं आपको लिख देता हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लीस्ट of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term, ठीक है। अपन फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड नहीं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, ठीक है। वो जो फिक्स्ड जो नंबर होता है उसको अपन कहते हैं कॉमन डिफरेंस, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये क्या होता है, इसके डेफिनेशन भी लिख लेना, दिस द फिक्स्ड नंबर, द फिक्स्ड नंबर is called, the fixed number is called the common difference of the AP। और इस common difference जो fixed number है जो आपने क्या किया है, add किया और subtract किया है किसी भी term से, ठीक है। तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, आपका कॉमन डिफरेंस होगा। अब इसमें जो
कॉमन डिफरेंस है उसके लिए स्टैंडर्ड जो है वो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, तीनों में से कुछ कोई भी वैल्यू हो सकती है उसकी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है किसी भी एपी का। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया जैसे फर्स्ट टर्म ठीक है ए, उसका नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा डी, ए प्लस टी, क्योंकि किसी भी प्रीवियस टर्म में उसने प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद जो टर्म आएगा वो उसका नेक्स्ट टर्म होगा, जैसे ए प्लस डी। अब इस नेक्स्ट जो प्रीसीडिंग टर्म यहाँ ए प्लस डी है इसमें अगर अपन कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे जो डी है तो उस कंडीशन में हो जाएगा ए प्लस टू डी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, एंड सो ऑन। अगर ये चले तो ये क्या कहा तो ये होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ a क्या है, n क्या है और d क्या है, उसके बाद तो a जो है वो आपका फर्स्ट टर्म है, n जो है आपका जो आपको nth टर्म जो फाइंड करना है वो है, और d जो है वो आपको मैंने अभी बताया तो वो क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ जो है ये जो इक्वेशन होती है ये जो आपको प्रोग्रेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका किसी भी एपी में। ठीक है, कोई भी एपी गिवन होगा आपको इसी फॉर्म में गिवन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 तो यहाँ देखो 1 में कितना ऐड किया आपने, प्लस 2 किया, फिर अगेन प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2 एंड अगेन प्लस 2, तो ये क्या है कॉमन डिफरेंस है इसका कितना 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मैंने अभी अपने बात की कॉमन डिफरेंस के बारे में, तो कॉमन डिफरेंस का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं डी कॉमन डिफरेंस, जो क्या होगा ए एन माइनस ए एन माइनस वन, ये याद रखना। इसका मीन क्या है ए एन का, एन टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म ए एन माइनस वन अगर अपन सब्सट्रैक्ट कर दें तो वो किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। जैसे ये अगर क्वेश्चन लेता हूँ जैसे 1, 3, 5 तो इसमें नेक्स्ट टर्म जैसे कितना है, ये जैसे सेकंड टर्म है ये तो ये फर्स्ट टर्म, देन ए टू माइनस ए वन, तो ए टू यहाँ पे कितना है 3 है, माइनस 1 इक्वल टू किसके हो गए 2 के, तो ये क्या हो गया इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। ठीक है, अभी हमने चैप्टर 5 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पढ़ चुके हैं जिसमें एन टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब उसके कुछ आगे के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 के वो अपन सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 पढ़ा रहे हैं, ओके, जो आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का, वो है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड RS at for each additional kilometer। ठीक है, तो जो 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो तो क्या है फिक्स है आपका कितना रुपीज 15 रुपीज, और नेक्स्ट किलोमीटर है उसका जो चार्जेज है एडिशनल चार्जेज जो है वो कितना है 8 रुपीज। तो टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर इक्वल टू जो है वो कितना है आपका 15 रुपीज, एंड एडिशनल चार्ज। ठीक है, टैक्सी फॉर फेयर फॉर 2 किलोमीटर, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो क्या हो गया कि जो तो वो तो 1 किलोमीटर पे लगना ही है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट किलोमीटर उसके लिए एडिशनल चार्जेस जो है कितना है 8 रुपीज, अब आपको वो पे करना है, तो 15 + 8 कितना हो गया 23। ठीक है, फिर नेक्स्ट एडिशनल जो किलोमीटर है टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर,
2 कितना हो जाएगा 23 plus n equal to 31, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि जैसे next 4 किलोमीटर 31 plus n 39, तो ये जो है इसमें तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है सेम आ रहा है। तो ऐसा जो केस होगा वो क्या हो जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट गिवन है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को वेरीफाई करता है या नहीं करता है उसके लिए अपन देखते हैं। तो ये आपके पास पहला जो टर्म है वो है 25, 15, 23 एंड 31, ठीक है, एंड सॉ। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है सी डी जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या होगा 23 माइनस 15 इक्वल टू कितना हो गया एट। नेक्स्ट टर्म में अगर फाइन करेंगे 31 माइनस 23 इक्वल टू एट, देन कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है सेम। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम है देन ये क्या हो जाएगा क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है वो एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा एक एपी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसमें आपको गिवन है दैट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि जैसे किसी भी जैसे ये बॉक्स है इसका मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो क्या है वी, ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वी। अब हर बार जो है इस वॉल्यूम का 1/4 जो है वो क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वी, यूनिट आप कुछ भी ले सकते हो यूनिट क्यू, ठीक है। अब इसमें देखो उसने कहा है कि 1/4 जो है वो क्या हो गया रिमूव हो गया, तो टोटल जो वॉल्यूम है अगर फर्स्ट जो टर्म है वो वी है तो सेकेंड जो है 1/4 अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिमूव, ठीक है, देन 1/4 होगा v by 4। तो सेकेंड जो टर्म है वो क्या हो जाएगा v माइनस v अपॉन 4, तो ये हो गया 3v अपॉन 4, एलसीएम होगा 4 देन 4v माइनस v इक्वल टू 3v अपॉन 4। तो टोटल जो नेक्स्ट जो वॉल्यूम होगा वो होगा 3v अपॉन 4। इसका अगर 1/4 लेंगे जिसको अपन कंडीशन में A3 में कंसीडर करें तो वो क्या होगा 3v अपॉन 4, और इसका जो 1/4 होगा वो कितना होगा 3v अपॉन 4 इंटू 1/4, देन ये हो गया 3v अपॉन 4 और 3v माइनस 16, ठीक है। एलसीएम लेंगे अगर तो एलसीएम क्या होगा 16, 4 और 16 का एलसीएम 16, देन 16 डिवाइडेड बाय 4, देन 4 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3v देन 12v माइनस 3v, तो ये हो गया आपके पास 9v अपॉन 16, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म आया आपके पास v, सेकेंड जो टर्म है वो 3v अपॉन 4, और नेक्स्ट जो टर्म है वो कितना हो गया 9v अपॉन 16, देन कॉमन डिफरेंस जो है जब वो कॉमन डिफरेंस है वो क्या नहीं है सेम ही, कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देन द स्टेटमेंट आर नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द स्टेटमेंट इज नॉट इन एपी, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, पहले जो फेयर से रिलेटेड था और सेकंड जो वॉल्यूम से रिलेटेड था।
फेयर वाले में ये था कि एडिशनल चार्जेस गिवन था, और इसमें एक आ गया है कि 1/4 जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है हर बार, ठीक है। तो पहले जो वॉल्यूम था वो वी था, उससे 1/4 रिमूव हो गया, मीन्स वी बाई 4 जो है वो रिमूव हो गया, तो आपके पास जो अमाउंट आया हुआ है 3v/4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3v/4 का जो पार्ट है 1/4 वो रिमूव हो गया, इट मीन्स 3v/4 में से 3v/16 को माइनस किया तो आया 9v/16। अब जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इनमें से किसमें नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट Rs 150 rupees for the first meter and rise by 50 rupees for each subsequent meters. It means ये है कि हर एक, मैं आपको इसको क्वेश्चन को आपको ही करना है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे इसमें क्या कहा है कि जैसे फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है वो 150 है, ठीक है, 1 meter digging of 1 meter ऑफ डिगिंग वेल, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 150 rupees। नेक्स्ट जो किलोमीटर है जैसे 2 meter के लिए चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, 150 + 50 = 200, ठीक है। नेक्स्ट अगर करेंगे 3 meter के लिए तो क्या हो जाएगा, 200 + 50 = 250, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें ये है कि आपका जो चार्ज जो वो इंक्रीज हो रहा है कितना, 50 rupees, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, मीटर के अकॉर्डिंग, कि जैसे जैसे मीटर इंक्रीज हो रहा है 1 meter के अकॉर्डिंग 50 rupees जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे अगर ये इसको एपी में अगर कन्वर्ट करें तो 150 200 250, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसे यहाँ क्या होगा, डी अगर फाइंड करें तो आएगा 200 - 150 = 50, और नेक्स्ट काम जैसे 250 - 200 करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 50। देन दिस स्टेटमेंट इज एन एपी। ये जो स्टेटमेंट जो गिवन है वो एक तरीके से क्या आता, एपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी के अकॉर्डिंग है। आपको स्टेटमेंट गिवन है, इसमें आपको ये कहा गया था अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर में ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, ठीक है। तो इसमें आपको जो नॉर्मली जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज, सॉरी अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है, और अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो होता है a = p1 + r/100 और पावर t, ठीक है। जो यहाँ जो p जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, r जो रेट एंड t जो है वो टाइम, ठीक है। तो अगर अपन फर्स्ट टर्म देखें, मान लेते हैं कि 1 year के लिए जो अमाउंट हुआ वो कितना है, 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर हुआ, जब नेक्स्ट ईयर जो है वो चार्जेस जो है 8% रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखो A2 अगर आप फाइंड करो तो उसमें 10,000 1 रेट जो है आप कितना गिवन है क्वेश्चन में, 8%, ठीक है, अपॉन 100। देखो 1 year के लिए तो आपने फाइंड कर, आप गिवन है पहले से, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए फाइंड करोगे तो टाइम जो है वो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगेन 3rd year के लिए अगर फाइंड करेंगे अपन, देन 10,000 1 + 8/100 = 3। तो ये जो है ये अमाउंट जो है इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज क्या है, किस फॉर्म में नहीं हो रहा, एपी के फॉर्म में नहीं हो रहा, क्योंकि ये 10,000 है, ये 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 / 100 से इंटू 100 / 100 से, तो ये नंबर जो है ये क्या आएगा, चेंज होगा,
जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर होगा, इसको इससे कम डिवाइड करेंगे तो क्यूब होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये क्या नहीं होगी, ए पी में नहीं होगी, क्योंकि ए टू माइनस ए वन जो है वो नॉट इक्वल टू किसके होगा, ए थ्री माइनस ए टू के, ठीक है। देन कॉमन डिफरेंस सी डी जो है आपका वो क्या नहीं है, सेम नहीं, सी डी जो है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है, और सी डी सेम नहीं है, सॉरी कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर स्टेटमेंट, देन ये क्या होगा कि ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। तो सारे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट वो इसी टाइप के हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैंने चारों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, वैसे कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसमें से, जो नॉर्मली जो आपको स्टेटमेंट दिया है ना उसको आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब थोड़ा अच्छे से देखना जो क्वेश्चन हैं उनके उसी को लेके आगे अपन जो एक्सरसाइज 5.2 है वो भी करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझ, जैसे क्वेश्चन है राइट राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एनपी एंड द फर्स्ट टर्म एंड ए कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, एंड क्वेश्चन नंबर जो वन है वो आपको गिवन है ए इक्वल टू 10 एंड डी इक्वल टू 10, ठीक है। देखो आपको फाइंड करना है नेक्स्ट फोर टर्म, तो जो ए आपको गिवन है एक्चुअल में क्या है a1, इट मींस a एंड a इक्वल टू 10 मींस फर्स्ट टर्म ऑफ एन ap इक्वल टू 10, सेकंड टर्म क्या होता है कि उसकी प्रीसीडिंग टर्म में क्या है फिक्स्ड नंबर को क्या करना है ऐड करना है, तो जो नेक्स्ट जो टर्म है वो होगी a1 plus d, पर a1 आपके पास कितना है 10 और d कितना आपके पास 10, देन सेकंड टर्म इक्वल टू 20। ये अच्छे से समझ लेना, ये आगे भी जो आपको यूज करना है वो यही करना है, ठीक है। देन a3 क्या होगा, वो एक प्रीसीडिंग टर्म a2, इसमें आपको एक फिक्स नंबर ऐड करना है d, देन a2 प्लस d, देन 20 प्लस 10 इक्वल टू 30, एंड देन फोर्थ टर्म सिमिलरली फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा a3 प्लस d, और a3 कितना है आपके पास 30 प्लस 10, और 30 प्लस 10 कितना हो गया 40, ठीक है। तो ये ऐसे आप जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इसमें कहा है कि फाइंड फर्स्ट फोर टर्म, ठीक है। तो फोर्थ टर्म जो फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा a4 प्लस d, इट मीन्स 40 प्लस 10 इक्वल टू 50, ठीक है। देन ये आपका जो कंप्लीट है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है आपको, ठीक है, जिसमें अब जो ए पी होगा अगर आप ए पी लिखना चाहो तो वो क्या होगा 10, 20, 30, 40 एंड 50 इन सॉ, ठीक है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही क्वेश्चन हैं, आपको ए गिवन है और डी गिवन है, आपको नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है सेकंड जो क्वेश्चन है सेकंड में कि a इक्वल टू माइनस टू एंड d इक्वल टू 0। अब इसमें ये मत सोचना कि सर d तो 0 दे रखा है, मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है a1, ठीक है, वो कितना दे a इक्वल टू कितना गिवन है आपको माइनस। नेक्स्ट टर्म की बात करें a2 आपको बताया मैंने अभी कि प्रीसीडिंग जो टर्म है उसमें क्या ऐड करना है आपको d ऐड करना है, तो ये कितना देगा -2 + 0 = -2, ठीक है। एंड नेक्स्ट टर्म अगर फाइंड करेंगे a3 देन a2 + d देन -2 + again 0 देन -2 देन a4 इट मीन्स a3 + d
और एक भी आपके पास फिर से कितना है माइनस टू और कॉमन डिफरेंस कितना है जीरो एंड अगेन माइनस टू देन नेक्स्ट टर्म ए फाइव देन दिस रिंग टर्म ए फोर ए फिक्स टर्म एट एट डी देन माइनस टू प्लस जीरो इक्वल टू माइनस टू। इस केस में जो जितने भी जो टर्म्स आएंगे वो सारी कितनी आएंगी माइनस टू माइनस टू माइनस टू। रीजन क्या है इसका क्योंकि इसका कॉमन जो डिफरेंस है कितना है जीरो है। ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सेकंड का सेकंड कंप्लीट कर दिया अपने। थर्ड वाला जो है सेम है फर्स्ट की तरह। ठीक है फोर्थ वाला मैं आपको बताऊंगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो आपको गिवन है a इक्वल टू माइनस वन। ये बताइए आपको क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है और d जो है वो आपको गिवन है वन अपॉन टू। ठीक है a आपको माइनस वन और d वन अपॉन टू। क्या फाइन करना है आपको नेक्स्ट फोर टर्म। नेक्स्ट फोर टर्म फाइन करना है ए वन जो है वो आपको किसके इक्वल होगा ए के। आपके पास ए कितना है माइनस वन है। ठीक है नेक्स्ट फिर आप क्या फाइन करोगे ए टू फाइन करोगे। और ए टू क्या होता है मैंने अभी बताया प्रीसीडिंग जो टर्म है और प्रीसीडिंग टर्म जो है वो क्या है ए वन है और उसमें आप फिक्स टर्म को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे और फिक्स टर्म जो है वो आपको कितना गिवन है वन बाई टू। देन एलसीएम लोगे आप एलसीएम क्या आएगा टू देन टू डिवाइडेड बाई वन देन टू एंड टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन देन माइनस टू प्लस वन देन माइनस टू प्लस वन इक्वल टू कितना माइनस वन अपॉन टू। ठीक है सिमिलरली आप फाइंड करोगे क्या ए थ्री और ए थ्री क्या होगा ए टू प्लस डी वैल्यू ऑफ ए टू इक्वल टू कितना होगा माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू माइनस एंड प्लस सेम वैल्यू इट मीन्स वैल्यू जो आएगी जीरो। ठीक है सिमिलरली आप क्या फाइंड करोगे ए फोर। ठीक है ए फोर फाइंड करोगे उस कंडीशन में क्या होगा ए थ्री प्लस डी पर आपके पास ए थ्री है जीरो और उसमें फिक्स टर्म डी ऐड करोगे वन बाई टू देन ये हो गया वन बाई टू। ठीक है अगेन ए फाइव इक्वल टू क्या होगा ए फोर प्लस डी। ए फोर कितना आपके पास वन अपॉन टू डी भी कितना आपके पास वन अपॉन टू देन वन अपॉन टू और वन अपॉन टू कितना हो गया वन। ठीक है तो ये आपके पास ए पी होगा लास्ट में आप अगर ए पी लिखना सर चाहो तो माइनस वन अपॉन टू जीरो वन अपॉन टू एंड वन। ठीक है तो जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड में सारे ऐसे ही क्वेश्चन है आपको ए गिवन है और डी गिवन है और आपको उसके नेक्स्ट फोर टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए सेकंड में लास्ट क्वेश्चन वैसे ए इक्वल टू आपको गिवन है माइनस वन पॉइंट टू फाइव और डी इक्वल टू गिवन है माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव। ठीक है तो आपको इसमें सेम वैसे प्रोसीजर अप्लाई करना है ए इक्वल टू ए वन फिर ए टू इक्वल टू ए वन प्लस डी एंड ए टू ए थ्री इक्वल टू ए टू प्लस डी और ऐसे करके आपको फाइव टोटल जो फाइव स्टॉप्स है वो फाइंड करना है। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री ये है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज कुछ एपीज आपको गिवन है और उसके जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो आपको क्या करना है फाइंड करना है। और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे वो मैंने आपको बताया है फर्स्ट टर्म जो होता है वो फर्स्ट टर्म जो एपी का जो फर्स्ट जो टर्म होगा जहाँ से एपी स्टार्ट होता है उसका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा जैसे थ्री वन माइनस थ्री ये आपको एपी गिवन। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है जितना क्वेश्चन में कहा है उतना ही आपको बताना है क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा लिख के आओ। ठीक है तो जैसे ये क्वेश्चन है थ्री वन माइनस थ्री और आपको कौन सा टर्म कौन सा क्या फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको कहा
जहाँ से एपी स्टार्ट होता है, एपी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3, 1, -1, -3, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होता है, जहाँ से एपी स्टार्ट होता है वो उसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो ए इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस बी होता है। अब आपको क्वेश्चन पहले से कह रखा है कि ये क्या है, एपी है, तो इट मीन्स कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकेंड जो टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म थी, सेकेंड टर्म में से आप क्या माइनस कर दोगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर दोगे। तो सेकेंड टर्म कितना आपके पास, 1, एंड फर्स्ट टर्म कितना आपके पास, -3। तो 1 - 3 कितना होगा, -2। क्यों -2, क्योंकि माइनस का 3 है, प्लस का 1 है, 3 जो है वो लार्जर वैल्यू, सॉरी स्मॉलर वैल्यू है, किससे, -3 जो है प्लस 1 से स्मॉलर वैल्यू है, इस वजह से -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ जो वैल्यूज होंगी, ए हो गया, डी हो गया, ठीक है। सेम जो क्वेश्चन है वो सेकंड वाला होगा, आपको वहाँ एक एपी गिवन है और एपी क्या गिवन है, -1, -5, -1, -3 एंड -7, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से, अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आया तो, ए जो है वो आपको कितना गिवन है, -1, यहाँ से एपी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर डी की बात करें तो डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट मीन्स a2 - a1, देखो ए टू कितना है आपके पास, -1, फिर माइनस साइन है, और a1 कितना है आपके पास, -1, ठीक है। तो ये -1 - -(-) और ये 5, 5 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ होगा, 3 - -(+1), देन 3 + 1 कितना हो गया, 4। तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आएगा -5, और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा 4, ठीक है। सेम जो क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट, 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, उसको भी आप सिमिलरली ऐसे सॉल्व करना है कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और जो नेक्स्ट जो टर्म होगा वो कितना, सॉरी डी जो कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड करोगे तो क्या करोगे, 5/3 - 1/3 = 4/3, ठीक है। तो ये सिमिलरली कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, वो आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसमें आपको क्या गिवन है कि कुछ एपीज गिवन है, सॉरी सीक्वेंस कुछ गिवन है, क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है। उन सीक्वेंस में से आपको बताना है कि एपी में कुछ कौन कौन से सीक्वेंस जो है एपी में है, और अगर वो एपी में है, अगर वो क्या है एपी में है, तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं आपको, प्लस आपको उसके कॉमन डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको उसमें फाइंड करनी है। तो उसमें जो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो उनमें से अपन कुछ क्वेश्चन जैसे एड क्वेश्चन आपको गिवन है, उनमें से कुल 4 क्वेश्चन मैं आपको बताया था, और 4 क्वेश्चन जो है वो आप सोल्व कर दो, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जैसे 2, 4 एंड 6, पहले तो आपको ये फाइन करना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो ही उस कंडीशन में आपको उसको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अगर एपी में नहीं है तो आप उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो ये आप, मैंने आपको सीक्वेंस और सीरीज, जो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस बताया वो यहाँ देख लेना। जैसे ए जो है मीन्स फर्स्ट टर्म ए वन, वो कितना आपके पास, 2 है, और डी अगर आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, a2 - a1, प्रीवियस टर्म में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। तो a2 - a1, 4 - 2 = 2, लेकिन ये हर केस में इक्वल आना चाहिए, हर केस में इक्वल आना चाहिए। इट मीन्स a3 - a2 वो आएगा a8 - 4 = 4, ठीक। इसका मीन क्या होगा कि a2 - a1 जो है वो a3 - a2 के इक्वल नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये क्या नहीं होगा,
प्रोग्रेशन नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा उस कंडीशन में, ये क्या है, सीक्वेंस है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, दिस एपी, दिस सीक्वेंस आर नॉट इन एपी, ठीक है, दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, ठीक है। ये जो सीक्वेंस जो आपको गिवन है इसमें नहीं है, एपी में नहीं, ठीक है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो इससे सिमिलर क्वेश्चन है फ्रॉम के बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2, 5/2, 3, 7/2, नेक्स्ट जो है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, ठीक है, -10, -6, -2 and 2, नेक्स्ट 3, 3+√2। तो उसमें से अपन कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आप क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं उसमें से फोर्थ वाला करते हैं कि वो एपी में है या नहीं, तो वो फोर्थ क्वेश्चन जो है आप लिखेंगे -10, -6, -2, 2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या फाइन करोगे, फर्स्ट टर्म करोगे। तो फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट टर्म जो मैंने कहा था आपको, जो सबसे जो जहाँ से एपी स्टार्ट होता है वही उसका क्या होता है, फर्स्ट टर्म। तो ए वन जो है वो आपके पास होता है -10, नेक्स्ट ए टू वो कितना आपके पास -6, क्या -6। अब मैंने आपके पास कॉमन डिफरेंस पाया, ठीक, कॉमन डिफरेंस डिसाइड करेगा कि ये एपी में है या नहीं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट जो टर्म है उसमें से उसकी प्रीसीडिंग टर्म को क्या कर दो, -1। तो ए टू -A1 है तो -6 and -10, ठीक है। देन ये हो गया -6, -(-) क्या हो गया +10, एंड 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, ठीक। अगेन इसी में A3 - A2, क्योंकि पहली जो वैल्यू उससे अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एपी में होगा या नहीं, उसके जितने भी टर्म्स हैं उनका सबका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ 4 है। तो नेक्स्ट टर्म्स को देखते हैं, तो नेक्स्ट टर्म A3 कितना है आपके पास -2, फिर माइनस, और फिर कितना आपके पास -6, -2 - -6, 6 - 2, 4। तो यहाँ भी सेम है, फिर मीन्स ये जो आपको सी जो आपको सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, एपी, ठीक है। दिस सीक्वेंस इज एन एपी अर्थमेटिक प्रॉब्लम। अब इसका क्या आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, तो देखो आपको 4 टर्म का गिवन था, आपको 5 टर्म फाइंड करना है। 5 टर्म फाइंड करने के लिए मैंने आपका A4 प्लस क्या कर दोगे, कोई भी नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे तो उसके प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड कर दोगे, फिक्स्ड नंबर को ऐड कर दोगे, और फिक्स्ड नंबर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो A4 कितना है आपके पास 2, और D कितना आपके पास 4, और 2 + 4 कितना हो गया 6। ऐसे आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 6 टर्म फाइंड करना है। 6 टर्म क्या होगा कि A5 + D, और A5 कितना आपके पास 6 + 4 = कितना हो गया 10, A6 + D, इट मीन्स 10 + 4 = 14। तो ये जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी 6, 10 और 14, और ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें जो सीक्वेंस जो दिया है वो एक है एपी है, और इसकी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो 6, 10 और 14 होगा, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो आपको ऐसे करके ये जितने भी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें से अगर एक क्वेश्चन अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको गिवन है कि 0.2, 0.22, 0.2222, 0.2222, ऐसे कुछ क्वेश्चन में एक सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस को आपको फाइंड करना है कि वो एक एपी में है या नहीं, ठीक है। तो मैंने अभी आपसे कहा कि सीक्वेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका क्या इक्वल होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस है।